कहानी क्या है? भगवान अपनी सबसे कठिन लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी अपने सबसे बहादुर सिपाहियों को सौंप देते हैं और इस फिल्म में वो सिपाही है नीरजा माधवन। आईपीएस अफसर नीरजा का उद्देश्य है बस्तर में फैले नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना। एक तरफ अपना सब कुछ दांव पर लगाकर नीरजा माओवादी विचारधारा के नक्सलियों को बस्तर से खदेड़ने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उसकी इस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब अकेली नीरजा किस तरह ये जंग लड़ती है और क्या इस जंग में उसकी जीत हो जाती है, ये जानने के लिए आपको बस्तर देखनी होगी। बस्तर एक डिस्टर्बिंग फिल्म है। फिल्म में कई जगह ऐसा वायलेंस दिखाया गया है कि आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, आप असहज महसूस करने लगते हैं। फिर भी द केरला स्टोरी की टीम की बनाई हुई ये फिल्म आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती। जब हम सिनेमा देखते हैं तब उम्मीद ये होती है कि बतौर दर्शक हमारे सामने मोशन पिक्चर फॉर्मेट में वो कहानी पेश की जाए जो हमें आखिर तक खुद से जोड़ कर रखे। बस्तर का निर्देशन अच्छा है, लेकिन फिल्म देखते हुए कई जगह ऐसा लगने लगता है कि मानो हम कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। फिल्म का स्क्रीन प्ले कमजोर है। कहानी में और फिल्म के खत्म होने के बाद कई सारे फैक्ट्स बताए तो गए हैं, लेकिन उनका कोई सिर पैर नहीं है। नक्सलियों के नाम पर होने वाले हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के आंकड़े भी फिल्म में दिए हैं, लेकिन उसके पीछे का ठोस कारण देने की कोशिश नहीं की हुई है। हालांकि कुछ कलाकारों ने इस फिल्म को पूरा न्याय देने की कोशिश की है। फैंस हो जाएं तैयार, इस दिन आ रहा स्ट्रेंजर थिंग्स का 5वां सीजन एक्टिंग कैसी है। अदा शर्मा ने फिल्म में नीरजा माधवन का किरदार निभाया है, लेकिन द केरला स्टोरी की शालिनी उन्नीकृष्णन के साथ तुलना की जाए तो बस्तर की नीरजा थोड़ी कम असरदार लगती है। फिल्म में एक सीन है जहां दिखाई गई मासूमों की हत्याएं आपका खून खौला देंगी और आप इस बारे में सोचने पर मजबूर हो जाओगे। नीरजा सवाल पूछती है कि आपने इतने सालों तक आम लोगों के लिए क्या किया है। आप मेरे साथ बस्तर के किसी भी गांव बिना सिक्योरिटी के चलिए और फिर देखते हैं वहां से जिंदा कौन वापस आता है, आप या मैं। इस तरह के दमदार डायलॉग को प्रभावशाली बनाने के लिए उन्हें उसी ताकत से ऑडियंस तक पहुंचना जरूरी था और वहां अदा थोड़ी पीछे रह जाती है। फिल्म में इंदिरा तिवारी ट्राइबल महिला और किशोर कदम ट्राइबल नेता हमें सरप्राइज करते हैं। उनकी एक्टिंग शानदार है। यशपाल शर्मा भी अपनी तरफ से इस कहानी को संभालने की पूरी कोशिश की है। रायमा सेन की बात करें तो उन्हें देखकर लगता है कि उन्होंने सीधे द केरला स्टोरी से निकलकर बस्तर में एंट्री की है। उनका किरदार पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल है। यहां देखें अदा शर्मा की फिल्म का ट्रेलर। लेखन और निर्देशन सुदीप्तो सेन की कहानियों की ताकत है उनकी सच्चाई। उनकी हर फिल्म में वो हमारे सामने ऐसी जानकारी पेश करते हैं जिसे देख हम दंग रह जाते हैं। द केरला स्टोरी के बाद उन्होंने बस्तर द नक्सल स्टोरी बनाई है। गांव वाले डिसाइड करेंगे निर्दोष कौन है और गुनहगार कौन है। दम जय हिंद।